नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस इंस्पेक्टर का नहीं किया लोड बस पर सामान, तो कंडक्टर के जड़ा थप्पड़, फिर लोगों ने खड़े की पुलिस की खटिया। पहली बार मार क्यों रहे? मारा क्यों? आप पूछ लीजिए, सबको मारने का राइट नहीं है आपके पास। आपकी खटिया नहीं जा पा रही तो मार रहे। क्यों हटे? हमारी परीक्षा है सर, हमें पेपर देने जाना है और आप बस वालों को रोक रहे हो। क्यों मारे? आप पहले आप खटी क्यों मारे? आप थप्पड़ मार रहे हैं बार ऊपर, क्यों मार रहे हो? पहले क्यों मार रहे हो पहले बताओ। हाँ सर, बोल मार क्यों रहे? एक घटना है आजमगढ़ से ताबरपुर रोड पे, मोती बाबा थान पर एक दरोगा जी है और वो बिना कुल पूछे उछे जो वहाँ के हमारे बस कंडक्टर बेचारे उनको थप्पड़ मार रहे हैं और उनके खटिया नहीं जा रही इसलिए सबको मार रहे हैं। ये गुंडे ही दिखा रहे हैं पूरा एकदम। सर्विस इनका नंबर कितना है गाड़ी का? और इनकी गाड़ी का नंबर भी नहीं है, इनका बैच नंबर, गाड़ी का नंबर नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में पुलिस कर्मी को घेरे लोगों का गुस्सा भी आपने देख लिया होगा। गुस्सा क्यों है इस बात पर भी मंथन करने की जरूरत है। आप इस गुस्से की वजह समझ रहे होंगे, लेकिन पहले बताते हैं असल माजरा है क्या। घटना 27 सितंबर की है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के तहबरपुर क्षेत्र की। यहां पर जो पुलिसकर्मी साहब हैं, इन्हें इसलिए घेरा गया है क्योंकि यहां पे ये साहब दबंगई दिखा रहे थे। दरअसल इनकी खटिया, जिसके बारे में वीडियो में आपने बार बार सुना भी होगा, खटिया यानी कि चारपाई, इसको लोड करने में बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने मना कर दिया था। उनके मना करने पर ये साहब तैश में आ गए कि मैं वर्दी में हूँ, मुझे कैसे मना कर दिया। बस इसी बात पर अपने अहम को ठंडा करने के लिए इंस्पेक्टर साहब ने जड़ दिया कंडक्टर के थप्पड़ और उसके बाद लोगों ने इन्हें घेर लिया, वीडियो बनानी शुरू कर दी, इनसे सवाल करने शुरू कर दिए कि आपने उन्हें थप्पड़ मारा तो मारा कैसे। और हाँ, अगर आप इन साहब की मोटरसाइकिल पर नजर दौड़ाएं तो ना तो पीछे नंबर प्लेट है और ना ही आगे, यही नहीं नेम प्लेट भी नहीं लगी है, यानी कानून का पालन करवाने वाले खुद नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऊपर से किसी को भी बिना बात के थप्पड़ मार दे रहे हैं। अक्सर करके हमने देखा है कि किसी अफसर या अधिकारी का अगर सामान जा रहा होता है तो टोल तक नहीं लिया जाता। शायद कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे वर्दी में ये जनाब कि रौब दिखाकर काम निकलवा लिया जाए। और सोचिए, अगर किसी आम आदमी की ये मोटरसाइकिल होती तो अभी तक चालान काटकर पर्ची हाथ में थमा दी गई होती। बस इसी बात का गुस्सा इन सभी लोगों में भी है कि कानून भी तोड़ रहे हैं और दबंगई भी दिखा रहे हैं। इस देश में कानून सभी के लिए बराबर है और कानून को भी सभी को एक नजर से देखना चाहिए। कानून हाथ में लेने का अधिकार खुद कानून के रखवालों को भी नहीं है। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज, देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90831 90831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें? तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखे ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।